नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग करते वक्त एक गलती के ऊपर। तो बहुत सारे भाई ये गलती करते हैं, जो नए नए होते हैं वो ज़्यादा करते हैं, ठीक है। जो पुराने भाई हैं जो काम करते हैं उनके सामने तो गलती तो शुरू में वो भी करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे फिर सुधर जाते हैं। हर कोई सुधरता है इस लाइन में, इलेक्ट्रिकल लाइन हो या कोई भी लाइन हो, शुरू में अनुभव की कमी होती है इसलिए गलती करते हैं। तो आप लोगों का अनुभव को बढ़ाने के लिए ही मैं इस चैनल पे कुछ इस तरह की वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप कुछ एक्सपेरिमेंट भी करके देखें, कुछ बदलाव करके देखें और उससे आपको जो है थोड़ा सा बेनिफिट मिले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तीन तरह के पंखे आपको दिखाई दे रहे होंगे। सीलिंग फ़ैन है दोस्तों, आपको तीनों का जो स्टेटर साइज़ है उसमें अंतर दिख रहा होगा। इसका देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पतला दिख रहा है, इसका थोड़ा इससे मोटा दिख रहा है और इसका थोड़ा और मोटा आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से ये mm के हिसाब से आते हैं, इसकी मोटाई जो होती है mm में होती है, ठीक है। तो इसकी वाइंडिंग में हम एक गलती करते हैं, जो भी नए भाई होते, ज़्यादातर नए होते, कोई भी होगा वो करेगा, जब वो मार्केट में वायर लेने जाता तो एक नंबर वो ले लेता है, मतलब एक ही वायर ले लेता है, एक ही, जैसे कि पंखे में कंपनी ज़्यादातर 36 डालती है, तो वो एक ऐसा वायर चूज करेगा जो कि मोटे स्टेटर में भी डले और पतले में भी डले, ठीक है। तो ऐसा कोई वायर होता नहीं है, लेकिन कई लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा रहता है कि ये थोड़ा परफेक्ट है। तो 35.5 नंबर को एक परफेक्ट वायर बोला जाता है, क्योंकि ये जो है जिस पंखे में 35 नंबर डलता है उसमें भी हम डाल देते हैं, या कई पंखे ऐसे होते हैं जिसमें 36 नंबर है तो उसमें भी हम लगा देते हैं। तो कई भाइयों को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ज़्यादातर पंखों में 35.5 नंबर से वाइंडिंग हम कर सकते हैं, लेकिन कई पंखे ऐसे होते हैं जिसमें 35.5 नंबर हम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, सिंपल से तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, तीन पंखे हैं, तीनों के अंदर जो है कंपनी अपने अपने हिसाब से नंबर वायर डालती है, ठीक है। तो ये जो पतला वाला पंखा देख रहे हैं, इसमें पतला वायर आता है, जैसे कि 36 नंबर कंपनी इसमें डालेगी और इसका टर्न भी बढ़ाकर देगी। अगर वायर पतला है तो टर्न भी वो थोड़ा सा बढ़ाकर देगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पतले स्टेटर के अंदर पतला वायर डालती है, टर्न ज़्यादा होंगे। जो मीडियम स्टेटर आता है, मीडियम वाला, उसके अंदर वो एक ऐसा गेज डालेगी, बीच का सा गेज डालेगी, ठीक है। तो इसमें जो गेज डाला जाता है 36, तो उससे थोड़ा सा मोटा, यानी कि 35.5 नंबर डालती है, और टर्न भी वो थोड़े से इससे कम कर देती है। और जो मोटा वाला जो स्टेटर आता है उसमें कंपनी 35 नंबर डालती है, 35 नंबर से उसको वाइंडिंग करती है और टर्न काफ़ी कम हो जाते हैं, बाकी जो इनमें डलते हैं इनसे कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप एक गांठ बांध दीजिए, ध्यान दीजिए कि जितना पतला स्टेटर उतना पतला वायर लगेगा और उतने ही ज़्यादा चक्कर लगेंगे, जितना मोटा स्टेटर रहेगा उतने ही कम वायर लगेंगे और उतना ही मोटा तार लगेगा, मोटा SWG गेज लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास मार्केट से एक ही वायर ले लिए, मांगने गए थे 35.5, नहीं मिला तो 36 उठा लाए। अब हमारे पास पतले पंखे आ रहे हैं, ठीक है, 36 नंबर से अच्छी वाइंडिंग अच्छी चल रही है, लाइफ अच्छी है। ये पंखे आ रहे हैं थोड़े मोटे हैं, ये भी चल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मोटा स्टेटर का पंखा आ गया, उसमें डाल दिया तो वो हीट हो जाएगा, वो जल जाएगा, क्योंकि इसमें 35 नंबर वायर निकलता है और आप उसमें 36 डाल दिया। तो ये जो सीलिंग फ़ैन होते हैं ना दोस्तों, इसकी स्पीड पे बहुत ज़्यादा, ताकत पे बहुत ज़्यादा, गेज का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और टर्न का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसमें डाटा जो है थोड़ा परफेक्ट ही लगाना होता है, तभी इसकी लाइफ अच्छी होती है, ओके। और ये पंखे हीट होंगे ना तो बैरिंग जाम हो जाते हैं, और बैरिंग जाम होके वो फिर जल जाएंगे। ये नए बैरिंग भी आपने डाल दिया ना, वो भी जल जाए, बैरिंग की ग्रीस जल जाती है क्योंकि हीट ज़्यादा होते हैं, और हम डाटा का गड़बड़ करेंगे तो ये होगा। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, मैं कहना क्या जा रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। आप लोगों के पास तीन गेज होने चाहिए। अगर आप सीलिंग फ़ैन आपके पास आते हैं, काफ़ी अच्छे ज़्यादा आते हैं, किसी के पास कोई इक्का दुक्का पंखा आ रहा है, नया नया भाई है, तो ठीक है 35.5 से कर लीजिएगा वाइंडिंग। मैं नहीं कहूँगा कि आप सभी वायर रखें, उनके जो नए नए अभी शॉप कर खोलते हैं कई सारे भाई, उनका बजट भी बहुत कम होता है फर्स्ट में, तो वो बहुत कम वायर, कम नंबर के वायर से ही वाइंडिंग करने की कोशिश भी करते हैं। तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके पास कोई कोई पंखा आता है तो ठीक है करिए,
ठीक है, कुछ अलग गेज का आ जाता है तो आप मार्केट में करा लीजिए उसको, मत लीजिए ज़्यादा तार। लेकिन आप का मच्छर चल रहा है, आपके पास काफ़ी सारे पंखे आ रहे हैं, तो आप ये गलती कर रहे हैं। तो आपको तीन गेज रखने होंगे, कौन कौन से मैं बता रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा इस वीडियो को, सभी अच्छे से सुन लीजिएगा। ये जो पतले पंखे आते हैं ना, कई पंखे तो एल्युमिनियम में भी देखने को मिलेंगे, है ना, या कॉपर में, जितने भी पतले पंखे आते हैं, ओके, स्लॉट पे मत जाइए, स्टेटर को देखिए, उसमें आपको 36 नंबर गेज लगाना है। ये चीज़ ध्यान रखिए, 36 नंबर गेज आप रखेंगे तो बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि पतले पंखे में आप टर्न भी बढ़ा सकते हैं, पतला गेज होता है तो टर्न भी थोड़े से बढ़ा सकते हैं, और गेज मतलब आपका कॉपर वेट भी, वायर भी कम लगेगा। जब आप तोलते हैं ना तार को, इस तरह का कांटा होता है, इस पर तोलते हैं आप तार को, तो इन पंखों में पतला तार निकलता है, 36 नंबर निकलता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें 35.5 डाल भी देंगे, अरे पंखा चल भी गया, मान लो अच्छा चल भी गया, तो भी आपका वायर तो ज़्यादा लग रहा है ना, तो उससे आपको नुकसान ही हो रहा है। तो जिस पतला वाले स्टेटर में पतला, और जो मीडियम सा आता है उसमें 35.5 आपको डालना है, और यहाँ पे जो ज़्यादा ही मोटा आ रहा है, ठीक है, इसमें भी 35.5 डाल सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मोटा आपको दिखाई दे रहा है। ओल्ड मॉडल पंखे आते थे, जो बड़े बड़े भारी भारी पंखे होते थे, उसका स्टेटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोटा होता था, उसमें 35 नंबर वायर आपको देखने को मिलेगा, तो उनमें 35 नंबर वायर आप रखिए। तो आपको तीन वायर रखने, 35 नंबर, 35.5 और 36 नंबर, ठीक है। अब क्वांटिटी, सॉरी मैं आपको उसका वो बता देता हूँ कि कितना कितना आपको रखना चाहिए, कोई भाई अभी इस चीज़ पे कंफ्यूज होंगे कि कितना कितना वायर लें। तो ये जो पंखे आते हैं ना मोटे स्टेटर वाले, पुराने ओल्ड मॉडल भारी, ये बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं, तो आप 35 नंबर कॉपर वायर थोड़ा कम रखिए, और 35 नंबर वायर आप रखेंगे तो उससे बेनिफिट ही होगा। तो आप सीलिंग फैन मोटे वाले जो आते हैं उसको वाइंडिंग कर पाएंगे, मधानी की जो मोटरें आ रही हैं उसमें सभी में ज़्यादातर में 35 नंबर आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 35 नंबर रखेंगे तो मधानी मोटर को भी आप वाइंडिंग कर पाएंगे। तीसरा दोस्तों, आप वाल फैन या टेबल फैन जो आते हैं उनको भी आप वाइंडिंग कर पाएंगे, या बुलेट की जो मोटरें आती है वो भी 35 नंबर से वाइंडिंग होती है, तो आपको 35 नंबर तो आपके पास वैसे भी होना चाहिए, तो 35 नंबर तो आप रख लें, ओके, ठीक है। तो इससे ये बेनिफिट हो जाएगा 35 से, 35.5 ये 36, ठीक है। कई भाई 35.5 नहीं होता तो 36 भी डाल देते हैं, 36 नहीं होता 35.5 भी डाल देते हैं, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप पतले, जो ज़्यादा ही पतला आ रहा है उसमें 36 ही आप डालें, ये दो वायर भी आप रख लेंगे। जैसे 35.5 बहुत ज़्यादा पंखों में लगता है, काफ़ी सारे पंखों में 35.5 लगता है, तो 35.5 की क्वांटिटी जो आप वजन वेट ला रहे हैं थोड़ा ज़्यादा ले आइएगा, 36 नंबर थोड़े से कम ले आएगा, 36 नंबर किसी किसी पंखों में आप लगा दीजिएगा, और 36 नंबर अगर आप रखेंगे तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा, कई सारे टेबल फ़ैन होते हैं जो 36 से वाइंडिंग होते हैं, ओके, तो उस टेबल फ़ैन को भी आप वाइंडिंग कर पाएंगे। एंड इसके अलावा दोस्तों, कई वाल फैन या बुलेट मोटरें भी ऐसी होती है पतले स्टेटर की, जिसमें 36 नंबर डाला जाता है, तो उसको उसमें भी आप डाल पाएंगे, और कई मदानी मोटर भी ऐसी होती है जो बहुत काफ़ी पतला स्टेटर होता है, कम वायर डाल कर देती कंपनी, उसको भी आप वाइंडिंग कर पाएंगे। तो आपको वायर रखने से बेनिफिट ये हो रहा है, तो डाटा आपका अच्छा हो रहा है, सेकंड आपका वायर भी बचत हो रही है। कॉपर वायर 1200, 1100, 1000 रुपये केजी आ रहा है इस टाइम, तो आप ना 50-50 ग्राम भी बचाओगे तो पंखों पे काफ़ी बचत आपकी होती है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही जानकारी देना चाहता था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।